कुछ बड़े चैनल्स को इंटरव्यू देने के बाद अब देश के सबसे बड़े चैनल कहे जाने वाले आज तक ग्रुप को प्रियदर्शनी ने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में प्रियदर्शनी साफ ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि कैब ड्राइवर ने सआदत अली ने उन पर हमला किया अपने लोगों के साथ मिलकर और उनका हाथ तोड़ दिया। आपको बता दें जहाँ कल वो अपना हाथ बहुत तेज तेज से हिला रही थी, जिस हाथ से वो थप्पड़ मार रही थी लगातार, उस हाथ पर एक गर्म पट्टी बांध कर आई हैं और उस गर्म पट्टी को बार बार कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं जो भी समझदार इंसान होगा वो ये समझ जाएगा कि अगर गर्म पट्टी हाथ पर बंधी होती है तो हाथ इतना मूव नहीं करता। मूव को बदस्तूर मूव कर रही हैं, हाथ को बार बार हिला रही हैं, पूरा तरह से मूवमेंट सही चल रहा है हाथ का, लेकिन गर्म पट्टी बांध रखी है दिखाने के लिए कि कैब ड्राइवर ने मेरा हाथ तोड़ दिया है। वेल, ये एक नई चाल है इस लड़की की जो कि नाकाम से होगी। इसने फिर से एक बार इंटरव्यू दिया है एक बड़े चैनल को। अब पैसे दिए हैं या फिर फ्री में दिया है ये तो भगवान जाने, लेकिन इंटरव्यू देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया गया है और तभी इस तरह का इंटरव्यू किया गया है जिसमें सवाल कम पूछे गए हैं और ये बात ज़्यादा रखी गई है कि प्रियदर्शनी पर बार बार अटैक हो रहे थे, उनके पीछे लोग पड़े हैं, कोई तुक नहीं, कोई मतलब कहानीबाजी चल रही है। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है ये समझ में आना चाहिए कुछ मीडिया हाउसेस को। कहानियां नहीं चलती वहां पर, इंटरव्यू में तर्क होता है, वितर्क होता है, उसमें पूछा जाता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। ये लोग तो कहानी बना रहे हैं, इंटरव्यू के नाम पर एक कहानी बनाई जाती है और कहानी में वो किरदार में घुसता चला जाता है रिपोर्टर। वो कोशिश नहीं करता कि समझे भाई कैसे क्या क्यों, कोई ऐसी जवाबदेही नहीं, सिर्फ एक ऐसा इंटरव्यू जो ये दिखा रहा है कि हाँ भाई जो बोलेगी वो हम चैनल पर दिखाएंगे। और लास्ट में देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि आज तक वाले उस लड़की से पूछते हैं कि आपकी सरकार से क्या मांग है, आपकी प्रशासन से क्या मांग है, अब आप क्या चाहती हैं। अरे भाई उससे भी पूछ लो वो जो कैब ड्राइवर है कि वो क्या चाहता है, आपने साफ देखा, आप अंधे नहीं हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, एक झूठ सबसे बड़ा, उस वीडियो को अगर आप देखें आज तक वाली वीडियो को तो उसमें बार बार प्रियदर्शनी कह रही हैं कि रंगीन सीसीटीवी सामने नहीं आया। अरे वो जो सीसीटीवी सामने आया है वो कलर्ड है, चश्मा लगाए ठीक है लेकिन नज़र तो इतना मतलब कलर थोड़ी ना नज़र आने बंद हो जाएंगे। जो सीसीटीवी रिलीज हुआ है वो कलर्ड है, कोई इस लड़की को बता दे, अगर नहीं पता तो फिर ये वीडियो देख लें, इसमें हम आपको सीसीटीवी दिखा रहे हैं, ये कलर्ड सीसीटीवी है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है भैया। और दूसरी बात, जहाँ तक है हड्डी टूटने की बात, तो ये तो समझ से ही बाहर है कि थप्पड़ आपने मारे और हड्डी भी आपकी टूट गई और वो तोड़ी भी उसने। और एक चीज़ और, जी न्यूज़ पर जब एक लड़की ने इंटरव्यू दिया था तो इसने कहा था कि मेरे पे 100 लोगों ने अटैक किया। जी न्यूज़ से आज तक पर आते आते इसने कहा कि मेरे पर 200 लोगों ने अटैक किया। अब किसी और चैनल तक जाते जाते ये होगी कि मेरे पर 500 लोगों ने अटैक किया। और अगले कुछ वीडियोस में ये लड़की ये साबित कर देगी कि इसके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश ने हमला कर दिया, कितना झूठ बोलेगी। वह आने वाले दिनों में ये लड़की ये कह देगी कि एलियंस ने इस पर हमला किया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, हमें मानना पड़ेगा क्योंकि ये लड़की है तो हम मानेंगे। ठीक है, क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट्स रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।